जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हम जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागें तो हमें सबसे पहले कौन से कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारा मन प्रभु की आराधना में लग सके और श्री राम जी की हम पर कृपा बरस सके। ब्रह्म मुहूर्त हर साधन के लिए, हर साधना के लिए संजीवनी बूटी साबित होता है, क्योंकि अगर हम जिस समय ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय हम अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं, हम अपना भजन जाप कीर्तन जो भी हमें गुरु द्वारा बताई गई पद्धति है अगर हम उनका सही तरह से अनुसरण करके ठीक तरह से हम उनका बताए अनुसार नियम से उनका पालन करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के जो 3 घंटे होते हैं उन 3 घंटों में हम पूरे दिन की बराबर का लाभ मात्र 3 घंटे में ले सकते हैं। बेशक आप दिन में नींद लीजिए लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का बहुत विशेष करके साधक जीवन में लाभ उठाइए, क्योंकि जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा है उसने ब्रह्म को क्या देखा। हमारे संतों ने, हमारे विद्वानों ने और जो भगवत मार्ग के साधक हैं उन्होंने बताया है कि जो साधक हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त का विशेष तौर पर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ही एक ऐसा समय होता है जिस समय हमें पूर्णतः शांत वातावरण मिलता है और हमारा जो ध्यान है वो सीधा हमारे प्रभु से जाके मिलता है। उस समय हमारी सारी लाइनें क्लियर होती हैं और हमारी दोनों श्वासें बराबर अवस्था में चलती हैं। इस समय हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वैसा ही हमारे पूरे दिन में हमारे जहन में बना रहता है। एक तरह से जो ब्रह्म मुहूर्त में कार्य किया जाता है उसका नशा पूरे दिन तक हमारे जहन में रहता है। सबसे पहले जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जागें तो उस समय हमें सबसे पहले उठकर अपने दोनों हाथों को देखना चाहिए और दोनों हाथों को देखते समय हमें बोलना चाहिए, कराग्रहे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, कर प्रभात दर्शनम। इस तरह से इस मंत्र को आप जपकर दोनों हाथों को अपने नेत्रों से लगा लीजिए। फिर जमीन में पैर रखने से पहले आप अपने इष्ट देव का नाम उच्चारण कीजिए, श्री राम जी का नाम उच्चारण कीजिए और अपने गुरु का ध्यान कीजिए, अपने पितृ देवों को प्रणाम कीजिए और मन ही मन अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम कीजिए। जैसे ही आप पृथ्वी पर पैर रखें तो माता पृथ्वी को प्रणाम कीजिए, उनके पैर छुइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप हमारे जीवन में जिस तरह से आप हमारे सारे विघ्न बाधाओं को, सारे बोझों को आप ढोती हो उसी तरह से आप इस पापी से जो भी दिन में पाप बने उसे आप क्षमा कीजिएगा और मेरा भगवत मार्ग प्रशस्त कीजिएगा। फिर उसके बाद आपके गुरुजी द्वारा जो मंत्र दिया गया है उसका 11 बार उच्चारण करके फिर कुल्ला आदि इत्यादि क्रिया से निवृत्त होकर और एक तरह से स्वच्छ अवस्था में अगर आप उस समय स्नान कर सकें तो बहुत ही उत्तम होगा। स्नान आदि क्रिया कर कर आप अपने मंत्र जाप में लग जाइए। जो भी आपको श्री राम जी का मंत्र मिला हुआ है, गुरु द्वारा मिला हुआ है, उस मंत्र का जाप कीजिए और उस समय आप स्वयं देखेंगे श्री राम नाम की शक्ति। जो आप दिन में अपनी एकाग्रता एक जगह पर स्थिर नहीं कर पा रहे होंगे वह इस समय प्रात काल के समय बहुत अच्छी तरह से आपकी एकाग्रता एक बिंदु पर टिकेगी और आपके अंदर राम नाम की महिमा, राम नाम के गुणों की और राम नाम की शक्तियां आपके अंदर स्वतः ही प्रकाशित होने लगेंगी। ब्रह्म मुहूर्त हर कार्य के लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे आप किसी भी कार्य के लिए इसे प्रयोग में ले सकते हैं। चाहे आप अपना व्यापार चलाना चाहते हैं या फिर आपके दैनिक कार्य उन्हें आप करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उनके लिए जितना ज्यादा हो सके उनके बारे में सोचिए और नई नई रणनीति बनाइए जिससे कि आपके अंदर नई सोच आए और आप औरों से अलग बन सकें। और जो राम नाम के उपासक हैं, जो साधक हैं, जिनको जो विधि बताई गई है इस वीडियो में उसका वो ठीक तरह से अनुसरण करके श्री राम जी को रिझा सकते हैं और श्री राम जी को अपना बना सकते हैं। शेष चर्चा बाद में। जय श्री राम।